नमस्कार, BNN TV में आपका स्वागत है। मैं हूं वीके मिश्र। देखिए यह रिपोर्ट। आज जिले में दो बड़े कार्यक्रम हुए। समाज सेवा के लिहाज से देखा जाए तो जगन्नाथपुर चौराई विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां प्रदेश सरकार की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अनीता सिंह ने जनपद के उप जिलाधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों के साथ में न सिर्फ नारी सशक्तिकरण की अलग जगाई बल्कि जरूरतमंदों में भारी तादाद में जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किया। लेकिन यहाँ का जो कार्यक्रम आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये कालिका नगर का कार्यक्रम है। समाज सेवी हरि प्रताप सिंह और श्यामा सिंह द्वारा लगातार यहाँ भारी संख्या में जरूरतमंदों को कंबल वितरित कराया गया है। नारी है, नारी की हिफाजत के लिए नारी को जागरूक कर रही है। क्या मानती हैं, कितनी जागरूकता बढ़ी है सरकार में? महिलाएं अगर जागरूक ना होती तो निश्चित यहाँ तक चलता। और सहने सहने हमारा प्रयास जो है आगे बढ़ रहा है और निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारी उसमें वन सेंटर जो है बहुत सही योगदान कर रही है। प्रशासन, पुलिस सभी सहयोग कर रहे हैं। निश्चित ही आप देख रहे होंगे जिस तरह से मिशन शक्ति है, कन्या सुमंगला योजना है, माननीय योगी जी की सरकार जो है बहुत सही रंग ला रही है। और आप योगी जी के वर्चस्व को भी देख रहे होंगे कि आज कितने ऊपर जा चुके हैं। उनके कार्यों के ही वजह से उनको ये ख्याति प्राप्त हुई है। कानून के राज में BJP इस नारे के साथ सत्ता में आई। पहले हाथरस, कभी कभी बदायूं कांड, अभी हाल में सुर्खियों में है। क्या मानती हैं, जागरूकता बढ़ने के साथ अपराध और दुराचार की घटनाओं में इस तरह से इजाफा क्यों योगी सरकार में? इजाफा तो नहीं कहेंगे, हाँ ये जरूरी 100% अभी कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप इसमें ये देखिए कि क्विक एक्शन, हमारी योगी सरकार ये नहीं कहती कि बेटा है गलती हो जाती है। हमारी योगी सरकार संपत्ति को भरपूर करने तक का काम करती है और उन्हीं आरोपियों से वसूल करके उनकी भरपाई अगर करवाने लगेगी जिस तरह से हमारी योगी सरकार ने कदम उठाया है, निश्चित ही आने वाले दिनों में और भी अपराध में कमी आने वाली है। विपक्ष का आरोप है कि BJP सरकार में खासतौर से महिला अपराध बढ़े हैं, क्या मानती हैं आप? ये तो विपक्ष को कुछ नहीं है तो ये तो कहेगा ही, विपक्ष का काम ही है। लेकिन हम नहीं मानते हैं कि महिला अपराध बढ़ा है। अगर निर्भया कांड को देख लीजिए तो हाथरस का कांड या समथिंग कांड जो है हल्के पड़ जाते हैं, लेकिन ये है कि अपराध नहीं होना चाहिए, ये मानते हैं। अपराध में कमी आई है जिसमें सरकार जो है, आप देख लीजिए कि हमारी सरकार जो है बाबरियों का जो है बांस काट करके ध्वस्त किए हुए हैं, जिस तरह से उनका ध्वस्तीकरण करवा रही है। आपको लगता है कि क्या कहीं पर अपराधी शरण पाएंगे हमारी सरकार में? यशस्वी तिवारी, इंद्रजीत तिवारी जी ने आज इस कार्यक्रम को रखा है, मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मिशन शक्ति के लिए और महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। भी इस तरह से कार्यक्रम तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, प्रशासन भी वितरित कर रहा है, लेकिन यहाँ जिस तरह से इन्होंने किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? तो इनका कहना है कि बहुत अच्छा लगा और तमाम गांव के लोगों को कंबल वितरित किया गया है। संदेश इनका साफ तौर से ये रहा है कि ऐसे तमाम लोगों को भी समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। तमाम जरूरतमंद हैं जिन्हें इस ठंड के मौसम में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हरि प्रताप सिंह और उनकी पत्नी श्यामा सिंह ने जिस तरह से अपना दायित्व निभाया है, उन्होंने संदेश दिया है समाज के उन लोगों को दिया है जो सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी इस तरह से रुचि नहीं है या वो फिर करना नहीं चाहते हैं। तो इनका एक साफ तौर से संदेश है कि अगर आप सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए। शुभ नाम? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद जी, ये बताइए, यहाँ एक कार्यक्रम हुआ है जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की मदद की गई है, तो ये कैसा कार्यक्रम रहा, क्या रहा कार्यक्रम? यह हमारे पिताजी द्वारा प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम किया जाता है।
हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी एक संबल वितरित किया गया है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी हर साल संबल वितरण किया जाता है। तो ये थे अरविंद जी, जिन्होंने बताया कि पिताजी द्वारा हर वर्ष इस तरह से गरीबों, ज़रूरतमंदों और ग्रामीणों की मदद के स्वरूप में उनकी सेवा की जाती है। ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, यहाँ पहले भी तमाम तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं। भदोही से BNN के लिए मिथिलेश द्विवेदी।